और तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में स्क्रीन में मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो का था, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिलता है जो कि है ऊपर नॉच में और 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो। तो यहाँ पर जो है इस दौड़ में आईफोन 10 और वीवो V9 ओप्पो F7 के अलावा नोकिया भी यहाँ पर उतरने की सोच रहा है। तो यहाँ पर जो नोकिया एक नॉच वाला फ़ोन जो है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और पिक्चर्स लीक हुए जिसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं ये फोन एक्चुअल में कैसा होने वाला है, कभी रिलीज होगा, इसकी रिलीज डेट जो फाइनल हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स ये जो फोन है वो ग्लोबली 16th of May 2018 को यानी इसी महीने की 16th को जो है जब OnePlus 6 आपको देखने को मिलेगा वो उसके साथ ही ये फोन भी लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फोन है उसकी लॉन्चिंग होगी 16th of May को। और यहाँ पर बात करें इसके प्रोसेसिंग पावर के लिए तो यहाँ पर जो आपको को दो वेरिएंट शायद मिल सकते हैं, 4GB RAM 6GB RAM के साथ इंटरनल स्टोरेज होगी 64GB और 128GB की। और यहाँ पर शायद MediaTek का हेलियो P60 और शायद यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 616 दोनों में से कोई प्रोसेसर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लीक्स ये भी सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो 4GB RAM है उसमें आपको हेलियो का P60 मिलेगा, MediaTek हेलियो P60, और जो 6GB RAM वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर जो बैक में जो डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका जो मेन कैमरा होगा वो है 12 मेगापिक्सल कैमरा, सेकेंडरी कैमरा जो होगा उसका कुछ पता नहीं है अभी कौन सा कैमरा होगा और कितने मेगापिक्सल का होगा, यहाँ पर वगैरह की भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैक में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स का कैमरा। वहीं अगर हम बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर की तो जो फोन है वो रन करेगा एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर एंड्रॉइड 1 का आपको शायद सपोर्ट मिले है और एज़ यूजुअल यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो एक्सपीरियंस तो आपके यहाँ मिलेगा ही। और यहाँ पर खास बात यह है बात करें इस फोन की लुक्स और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर लुक्स ऑब्वियसली है सबसे अट्रैक्टिंग जो चीज़ है वो है इस फोन के स्क्रीन के ऊपर का नॉच। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको जो मिलती है वो मिलती है 5.8 inches की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 19:9 एक्सपेक्ट रेशियो की डिस्प्ले जिसमें आपको मिलता है ऊपर एक आईफोन 10 जैसा नॉच जो कि इसकी स्पेशलिटी है। साथ ही साथ इसकी जो लुक्स वाइज अगर आप देखें तो आप पीछे आपको प्रीमियम जो फिनिश है वो मिलती है यहाँ पर ग्लास की फिनिश और जो गोल्ड जो है उसकी लाइनिंग भी आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको नीचे एक छोटी सी चिन भी देखने को मिली जिसमें आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिली, जो आप इमेजेस हैं उनसे आप देख सकते हैं। पीछे रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फ्रंट में आपको बस एक नॉच वाली बढ़िया सी स्क्रीन कम बेजल्स के साथ, नीचे नोकिया की ब्रांडिंग। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतनी यही थी पूरी चीज़ें जो कि इस बारे में आपको हमें इस फोन के बारे में फिलहाल पता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के लिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिस दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जैसे दबाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत किया करेंगे क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।